जिस काम वास्ते खेचल दिती है। एक अद्धा जी माइक किसी का आना है, जो कृपा करके बंद कर लो जी, दसो बसारी ठीक है जी। आवाज सारे म्यूट कर दो जी, म्यूट। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੇ ਮਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਜਿਮਾ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल बहुत पुरानी रीजनल पार्टी है और हमेशा असी डेमोक्रेटिक परंपरावां दा पालन कीता और प्रेस की आजादी वास्ते भी हमेशा ही साडा योगदान जिहड़ा बहुत वड्डा रहा, चाहे एमरजेंसी वेले उस वेले लोकां दी आवाज़ नूं बंद करन दी कोशिश कीती गई सी, उदों भी श्रोमणी अकाली दल ने बहुत वड्डा इतिहासक रोल जिहड़ा उह निभाया सी। असीं इस गल नूं भी वैलकम करते हाँ कि जे किते क्रिटिसिजम दी लोड होवे तां हैल्दी क्रिटिसिजम होना चाहीदा, क्योंकि क्रिटिसिजम तो बिना इंप्रूवमेंट जिहड़ी है उह कदी भी नहीं हुंदी। इस करके पॉलिसियां दा क्रिटिसिजम होना चाहिदा, कोई साडी गलती होवे वो चंगे तरीके नाल पॉइंट आउट होनी चाहिदी है, क्योंकि लोकतंत्र इसे तरीके ही मजबूत हुंदा। पर कुछ समय तो असी महसूस कर रहे हैं कि कुछ कु पोलिटिकल पार्टियां जिहदे विच खास तौर ते मैनूं नाम लैण तो ग्रेज कोई नहीं, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, इन्हां ने जिहड़ा माहौल है वो बहुत ही राजनीति का गंधला कर दिता, कोई कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम की अनहोंद करके हमेशा इन्हां दी हुण कोशिश हुंदी है। 2002 तो शुरू हुई सी, कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां ने उदों एक झूठी चिट्ठी लिख के सरदार प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ बड़ियां एलीगेशन लाइया सी, बाद दे विच सरकार उन्हां दी बन गई सी, पर 5 साल जोर लाउण ते एक भी एलीगेशन साबित नहीं सी होई। उदों भी डेफेमेशन सरदार प्रकाश सिंह बादल नूं करनी पई सी, पर उन्हां दा वडप्पण है कि जदों सीएम बन गए ते पब्लिक दा टेस्ट का पास करन तों बाद, सारियां एलीगेशन तों बाद, उन्हां ने विधान सभा दे विच उह डेफेमेशन नूं विड्रा कीता सी कि कुड़त्तन दा माहौल खत्म होना चाहीदा और जिस काम वास्ते लोकां ने सानूं चुणिया, कंस्ट्रक्टिव काम, डिवेलपमेंट दा काम, अमन शांति पंजाब दी बना के रखने की लोड़ है, एक बहुत वड्डा उस वेले संदेश सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब ने दिता सी। पर असी देखिया कि बादल साहब के कद तो उन्होंने काम करने के तरीके तो जो सीखने की लोड़ सी वो सारिया ने उन्होंने फॉलो नहीं किया। उस तो बाद फिर वही काम शुरू हो गया अगली इलेक्शन के विच, पिछली इलेक्शन दे विच आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस पार्टी दोवां ने रल के पंजाब दे विच, चाहे धार्मिक मुद्दे सी चाहे नशियां दा मुद्दा सी, कोई कसर नहीं सी छड्डी, सिर्फ पिंड दा इक्को इक निशाना सी कि लोकां नूं गुमराह करके वोटां लैणियां। नतीजा भी तुहाडे सामने आ कि इलेक्शन कांग्रेस पार्टी जित गई, आपोजिशन दे विच आम आदमी पार्टी आ गई, सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया साहब ने डेफिनेशन फाइल कीती ते जिहड़ा दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब है उन्होंने रिटन अपालोजी टेंडर की, सारिया नूं तुहानूं चंगी तरह पता, कल्ला मजीठिया साहब सामने नहीं की, गडकरी साहब के सामने भी की, जेतली साहब अज साडे विच नहीं है उन्होंने भी डेफिनेशन की सी केजरीवाल साहब के, उत्थे भी उन्होंने अपनी माफ़ी जिहड़ी है वह मंगी। ये चीज़ां तो सबक सीखने की बजाए कि जे एलीगेशन गलत लाउणी है तो अगे तो सानूं भुगतनी भी पै सकती है। हुण फिर उस लाइन के उत्ते कांग्रेस के प्रधान सुनील जाखड़ जी भी, मुख्यमंत्री साहब भी, दोवें पार्टियां उस तरह ही लगिया हुई। जदों भी इलैक्शन आउंदी है साडे बेअदबियां दा मुद्दा जिहड़ा उहनूं गलत रंगत दे के गलत एलीगेशन ला के
पेश करने की कोशिश होती है। असी काफ़ी टॉलरेंस रखी है पर असी महसूस करते हैं, असी देखा भी है, आ दो दिन पहला तुसी नोट किया होना कि फेक न्यूज़ पहला चंदू माजरा साहब की एक बना के पा दी गई अखबार की तरह के और सारे सोशल मीडिया से सर्कुलेट की गई डेरा सच्चा सौदा नाल जोड़ के। अगले दिन उन्होंने एक होर फेक न्यूज़ पा दी गई वह भी डेरा सच्चा सौदा नाल जोड़ के, वह भी हार के उन्होंने कल फैसला करना पिया। कल उन्होंने मीडिया ने भी संबोधन किया और साइबर क्राइम को कंप्लेंट करने का भी फैसला जोड़ा वो होया। इसलिए असं महसूस करते हैं कि यह जोड़ा काम है ये बहुत हद तक बद गया। मैं दुख है इस गल का कि कुछ जिम्मेवार साढ़े चैनल वो भी इस गल का ध्यान रखने की जिनी लोड़ है उन्हें ध्यान नहीं रख रहे। कांग्रेस पार्टी वालों लगातार कोशिशां हो रही ने कुछ एहोजे लोगों को टीवी के उत्ते पेश करके जड़ियाँ राजनीति दे विच लंबे समय तो पर्सनैलिटीज कम कर रही उन्होंने उत्ते बेसाबा चिक्कड़ उछालिया जा रहा। उदाहरण के तौर पर 14 जुलाई को न्यूज़ 18 के उत्ते यादविंदर होर ने एक प्रोग्राम पेश किया सी, उहदे विच एक बीबी वीरपाल कौर नू पेश करके ते एडी गलत एलीगेशन जिहड़ी आ लाई गई कि मैनू अखरां दे विच बयान करनी भी औखी है क्योंकि मन दुखदा जदों कि एडी घटिया नीच एलीगेशन किसी पार्टी के तुहाडे प्रधान के उत्ते जां किसी होर के उत्ते लगती है जिहदा कोई आधार ना हो। 13 साल इस इंसीडेंट नू होई नू हो गए और 13 साल बाद कोई आके अचानक लेडी किसी चैनल के उत्ते इस तरह की एड्डी वड्डी एलीगेशन ला दे, मैं समझदा चैनल की भी बहुत वड्डी जिम्मेवारी बनती है कि जो लाइव टैलीकास्ट चल रहा हों तो जिहड़ी गल एक बार पब्लिक चलेगी लोगों की धारणा होंगी है कि जो अखबार से लिखा वो सच है, जो चैनल के उत्ते चल रहा लोग वह भी एक बार मान लेते हैं कि वह सच है। उत्थे किसी ने पेश हो के कहा वो कौन है, उसकी बैकग्राउंड की है, उसका किस तरह का किरदार है, उसका लोगों को नहीं पता होंदा। इस गल दे उत्ते लोकी भरोसा करते हैं कि जे एडा वड्डा चैनल कोई चीज़ दिखा रहा तो नैचुरली ये बड़ी वड्डी गल। और 15 तरीक नूं वो फिर दोबारा भी वो सेम चीज़ रिपीट हुई भावें एक क्लैरिफिकेशन भी नाल दित्ती गई, पर मैं समझदा कि यह अंदाजा लाना शायद कई बार तुहानूं औखा होएगा कि इन चीज़ों के नाल डैमेज किन्ना वड्डा हुंदा, क्योंकि सरदार प्रकाश सिंह बादल वर्गी शख्सियत जिन्हां ने मुख्यमंत्री हुंदिया होया जिहड़ी पंजाब दी विरासत ते सिख विरासत उहनूं संभालण वास्ते जो काम कर दिता इतिहासक है, क्योंकि विरासत खालसा की स्थापना बाबा बंदा सिंह बहादुर की यादगार, वड्डे घल्लूघारे की यादगार, छोटे घल्लूघारे की यादगार, जंगे इहदा आजादी का इतिहास, वार मेमोरियल किन्ना कुछ, ये जिन्नी देर तक सत्कार ना हो मन दे विच उन्नी देर तक ये चीज़ां स्टैबलिश नहीं होंदियां। और श्री अकाल तख्त साहब तो सब तो वड्डा जिहड़ा किसी सिख नूं सन्मान है पंथ रतन फकरे कौम का वह भी बादल साहब नूं मिलिया। और सरदार सुखबीर सिंह बादल ने बतौर उप मुख्यमंत्री जो हैरीटेज वाक दे विच शरदा दे नाल सेवा कीती, अज भी दुनिया दे विच बैठे सारे श्रद्धालु जिहड़े आ सारे धर्मां दे लोग उस गल की तारीफ करते हैं कि किस श्रद्धा दे नाल वो चीज़ां उन्होंने जिहड़ियां वह बनाईआं। लेकिन अफसोस हुंदा है कि एक एहोजिहा कोई व्यक्ति कोई बीबी वह उठ के चैनल के उत्ते जिहड़ी है एड्डी लंबी चौड़ी गंभीर एलीगेशन लगा दे जिहदा बहुत वड्डा नुकसान जिहड़ा उह जिहते एलीगेशन लगती है उहनूं भुगतना पैंदा। इस करके मजबूर हो के भावें मैं पहले कहा कि असी कोई ये नहीं कि मीडिया के खिलाफ हाँ, असी ये नहीं कि कोई किसी चैनल के असी खिलाफ हाँ, कोई ये नहीं कि किसी पार्टिकुलर जर्नलिस्ट के असी खिलाफ हाँ, पर मजबूर हो के असी हुण फैसला लिया क्योंकि इलैक्शन आ गई है और एक गंद होर वधेगा। इसलिए असी अज एक क्रिमिनल डेफिनेशन जिहड़ी है डेफिनेशन उहदा नोटिस जिहड़ा उहनूं बीबी वीरपाल कौर नूं भी दित्ता, उहदे नाल न्यूज़ 18 चैनल नूं भी दित्ता और जिहड़े चैनल दे संबंधित अधिकारी साहिबान है उहनां नूं भी, जिहड़ा कोरेस्पोंडेंट जिन्हें प्रोग्राम एयर किया सी यादविंदर सिंह उहनां नूं भी। सिर्फ
इंसाफ और सच्चाई लोगों के सामने लाने वास्ते साडा मकसद है, क्योंकि धर्म के बारे च जो एडिया गंभीर एलीगेशन लग जांदियां तो ताडा सारी जिंदगी की जिहड़ी कमाई है उन्हों नुकसान होता, क्योंकि असं हमेशा कहते रहे कि यदि सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज जांच करे सानू कोई इतराज, निरपक्ष जांच सीबीआई करे सानू कोई इतराज। पर जिहड़ा ढंग तरीका अज कांग्रेस पार्टी ने उहदे प्रधान सुनील जाखड़ ने उधरों बीबी जी टीवी ते आ रहे हैं, उधरों फटाफट सुखजिंदर सिंह रंधावा ते नाल जिहड़े जाखड़ साहब वो बल्दी ते तेल पाउण वास्ते आ गए। इस करके जिहड़े इस तरह के गुमराहकुन काम ने वो मैं मीडिया सारे नूं बेनती करदा कि बहुत वड्डी जिम्मेवारी मीडिया दी है, सानू तुहाडे ते बहुत माण है इस गल दा, और असी मजबूर होकर जिहड़ा अज डेफमेशन भी कर रहे हैं, और नाल एक असी पार्टी की इंटरनल कमेटी भी बना दित्ती है जिस कुछ साडे सीनियर लीडर ने कुछ साडे लीगल एक्सपर्ट ने जिहड़ी लगातार सोशल मीडिया के भी खास करके सोशल मीडिया के बहुत कुछ जिहड़ा वह लीडर के जाति तौर पर खिलाफ पाया जा रहा वो सारा असी अज तो बाद बैटर स्टडी करके तो जिहड़ी भी जिथे लोड़ होगी लीगल कार्रवाई करांगे। कोई साडे तथां सहित साडे खिलाफ कोई गल पेश करनी चाहे असी मोस्ट वेलकम, असी कभी उस गल ते नहीं जावांगे, लेकिन आ जिहड़े इरिस्पोंसिबल काम कुछ शुरू हो गया इहनूं नत्थ पाउण वास्ते मैं तुहानूं भी बेनती करदा कि इहदे विच तुहानूं साडा सहयोग जरूर करना चाहीदा, और ये जिन्ना असी इस सिस्टम नूं साफ करांगे उस साडी भी इज्जत वधदी है, मीडिया की भी इज्जत वधदी है, डेमोक्रेसी भी जिहड़ी है वह स्ट्रेंथन होंदी है। सो इस करके अज मैं यही इनफॉर्मेशन देने वास्ते जिहड़ी है वो लीगल नोटिस सारिआं नूं चला गया, उहदे मुताबक जो अगों कार्रवाई होएगी वो अगे उहदा हिस्सा उहदी कापी जिहड़ी है तुहानूं सारिआं नूं असीं हुणे व्हाट्सएप के उत्ते ईमेल के उत्ते तुहानूं सारिआं नूं दे दिंदे। कोई क्वेश्चन किसी का होवे तां दस दिओ। ठीक है जी, पहला भी यूज होंगे 2017 के इलेक्शन नू लेके जिस तरीके का तुसी कहा 2022 दे विच भी असीं देखिया कि कल भी परसों भी तुहाडे प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदू माजरा के खिलाफ फेक पोस्टां पाईआं गईआं। सानूं लगदा कि इस तों लैके भी कोई कारवाई जिहड़ी है उह कीती जाणी चाहीदी है ताकि इह फेक जिहड़ियां हन जिहड़ियां किसी पार्टी नूं टाल लांदियां हन उह भी बंद होणियां चाहीदियां हन। नहीं, असीं लगातार दस्सिआ जी, असीं कढ़ियां ने अज कुछ जिहड़ियां इस तरीके जो मर्जी बना के जिदी मर्जी फोटो ला के जो मर्जी कर दिंदा। असीं साइबर क्राइम कोल चंदू माजरा साहब वाला भी एक होर भी राती साडे ध्यान दे विच आई है, वह भी असीं जिहड़ी है चंडीगढ़ क्राइम ब्रांच नूं जिहड़ी साइबर क्राइम नूं दे रहे हैं। अगे तो रैगूलर असीं कर लिया कि इहनूं लगातार स्क्रीनिंग करके जिथे कोई डेफिनेटली मटीरियल है कोई बेसलैस इस तरह का चीज़ पाउंदा असीं उहनूं अकाउंटेबल बनाउण वास्ते जो लीगल प्रक्रिया उह शुरू कर। थैंक यू जी, मेहरबानी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपने जो न्यूज 18 को आप कह रहे हैं कि हमने नोटिस भेजा है, मैं न्यूज 18 इंडिया से बोल रहा हूँ मोहित मल्होत्रा, तो ये तो नोटिस का जवाब तो उनके जरूर उनका जो एडिटर और लीगल टीम है वो देंगे, लेकिन किन बातों पे आपको ऑब्जेक्शन है जिससे आपको लगता है कि आपको प्रॉब्लम हुई है? और दूसरी बात ये है, पैनल्स की डिबेट्स में कई बार कई पार्टियों के लोग आते हैं, इंडिविजुअल्स भी आते हैं, संस्थाओं के लोग भी आते हैं, तो वो अगर कोई एलिगेशन लगाते हैं तो उसमें चैनल को आप किस तरह से जिम्मेदार मान रहे हैं? क्योंकि आप लोग भी कई बार कई तरह के एलिगेशन लगाते हैं, हम तो आपको भी प्लेटफॉर्म देते हैं आप, और उसके ऊपर सामने वाले को जवाब देना होता है। अगर आपको किसी बात पर ऑब्जेक्शन है तो आपको लगता नहीं कि आपको उस पर जवाब देना चाहिए? और अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको डिफेम कर रहा था वहां बैठकर तो उसको नोटिस भेजें, तो आपको लगता नहीं ये चैनल को आप टारगेट कर रहे हैं, इसमें कुछ गलत एक ट्रेडिशन शुरू कर रहे हैं आप? जिस तरह दिया वेबसाइट्स चल भी रही है, चाहे वह ABCD ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ?
नहीं मैं जिहड़ी तुहाडी सारयां दी गल दे नाल सहमत हाँ। मैं पहले जिक्र किया कि साडे वास्ते मीडिया की मजबूती साडी एक अपनी ड्यूटी का पार्ट भी है और इन्ना कुछ पार्टी के खिलाफ लीडर के खिलाफ जिहड़ा मल्होत्रा साहब ने जिक्र किया पोलीटिकली बहुत कुछ कहा जाता असी भी कहने पर उत्थे पार्टियां की जिम्मेवारी होंदी है पार्टियां के नुमाइंदे बैठे होंगे कोई व्यक्ति जिहदा कोई बेस नहीं जिहदा कोई पिछोकड़ नहीं है वो एड्डी गंभीर जिहड़ी एक घटना हुई उहदी जिम्मेवारी एक एस्टैबलिश लीडर के उत्ते जिहड़ा डिप्टी सीएम भी रह गया जिहड़ा एमपी भी कई बार रह गया एमएलए भी रह गया उहदे उत्ते उहनू लाइव टैलीकास्ट करन लग्या कोई ना कोई मीडिया की जिम्मेवारी भी है क्योंकि उन्हें फिर अगले दिन सेम इंसीडेंट नूं आपां रिपीट करदे हां ये जे अपने दे उत्ते होवे कि तुहाडे जिहड़े तुसीं अपने गुरु के बारे च कोई गलत एलीगेशन किसी के उत्ते कोई लाउंदा 13 साल हो गए इस इंसीडेंट नूं होया नूं ते एक आदमी उठे ते उह कर दवे और उहदा मौके दे उत्ते प्रॉपर खंडन ना होवे जां उहनूं उस तरीके अगले दिन फिर कर दिता जावे ते मैं समझदा ये वाजिब नहीं है इस करके लेते डिस्कशन हो सकती है चैनल ना भी बैठ के साड़ी डिस्कशन हो सकती है असी कोई किसी नूं लैट डाउन करने वास्ते जां प्रेशराइज करने वास्ते नहीं आपां किन्नी देर तों विचरदे हां 25 साल तां मैनूं हो गए मेरे ख्याल पहला ए लीगल नोटिस होना पार्टी वल्लों जिहड़ा मैं देखिया कि जदों सारी पार्टी ने कहा कि मेन गल है कि हुण सारा एक रस्ता ही इस पासे तुर पिया कि कोई जिम्मेवारी लैण दी लोड़ नहीं जो मर्जी कह दे और खास करके सोशल मीडिया ते तुसीं आप ही जाणदे हो कि कोई वेरीफाई करदा ही नहीं इस करके उत्थे तां FIR ही होणगीआं सोशल मीडिया ते तां क्योंकि लोकेट करना भी कई बार औखा हो जाता वो साइबर क्राइम का काम है पर चैनल क्योंकि जिम्मेवार है इस करके चैनल नूं जो लीगल तरीका है साडा एस्टैबलिश सिस्टम प्रॉपर नोटिस इसे करके दे रहे हैं कि वह अपना पक्ष एक्सप्लेन कर सकन इस करके जिहड़ा डेमोक्रेटिक तरीका जां लीगल तरीका जुडिशियल तरीका उही है कि चैनल क्योंकि जिम्मेवार हुंदा इस करके प्रॉपर उन्हां नूं एक लीगल नोटिस इसे करके भेजा जा रहा वो अपना पक्ष देणगे मैं जवाब रोज ही खड़े हो रहे सानू बड़िया फील्ड भी कंप्लेंटा आउंदियां किसी लीडर के नाम से किसी इलाके किसी ने कुछ पाया होंदा किसी ने कुछ पाया होंदा बहुत ज्यादा डेफिनेटली चीजां जिहड़ियां ने सोशल मीडिया से पाईआं जा रहीआं इस करके उत्थे पर्टिकुलर असी लगातार स्क्रीनिंग करने वास्ते अगे वास्ते कमेटी बनाती है कि वह लीगल एंगल भी देख लवे सारा कंटेंट भी देख लवे और जो हैगा अपनी पार्टी नूं एडवाइस करे स्थानक यूनिट नूं एडवाइस करे कि इहदे ते आ एक्शन लैण दी लोड़ है तां जो इह जिहड़ा गंदला पाणा इहनूं कुछ घटाया जाए किसे नूं भी टारगेट करन दा कोई नहीं है असी तां जो छपदा जो कित कंप्लेट पार्टी की आँदी है कि आ देखो आ की छप रहा बहुत सारे बंदे सानू पार्टी तो भेजते हैं कि आ चीज़ है यदा बहुत माड़ा असर पै रहा तो जवाब दो चीज़ा जी मैं गल कर रहा कोई ये नहीं कि पार्टी कोई किसी मीडिया के खिलाफ चल पी या अखबार इन छपदियाँ रोज़ कि कुछ छपद है कभी असं इतराज नहीं करते अपने आप एक्सप्लेन करेगी जो है ओदा भी हक है जो असी लीगली प्रोसीड करांगे जे कोई सानू कहना चाहे तो सानू कवे नहीं तो कोर्ट दे विच जाएगा केस तो कोर्ट दे विच कवे ओदा अपना हक है वो तो करे सबूत पेश जो को किसी गलते है आफ्टर ऑल इन्होंने चीज़ों का कोई एंड तो होएगा ना अदरवाइज तो नहीं होंगे कई पिछड़ी है ਸੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
वीरपाल कौर ने तो यह कहता सीगा भी जिहड़ा शशिकांत है शशिकांत ने किसे जगह ते किया होया मैं वो सुनिया सीगा नहीं हुण मैं चैनल दा कोई रोल ही ना होया नहीं मैं हुण तुहाडे बारे कुछ जो मर्जी फजूल है किसी चैनल ते जाके कह दिया तो जिम्मेवार तो मैं अगों मैं एबीसी किसी का ना लै दिया वो साबित करना वो काम है इस करके असी ते नहीं साजिश है बहुत वड्डी असी समझते हैं ये तो नहीं कोई गल एवें नहीं हुंदा ये वड्डी साजिश है इस करके इनू असी इस तरह नहीं छड़ सकते इनू लॉजिकल कंकलूजन ते लैके जावांगे ता ही असी भी लोकां नू जिहड़ी हैगी जवाब दें देखो असीं तुहाडे कोले लीगल नोटिस की कापी दे रहे हैं वो सैल्फ एक्सप्लेनेटरी है उहदे च सारियां एंगल कि गल सानू इतराजनक लगती है वो उहदे विच बड़ी डिटेल दे विच जिहड़ी है सारी दित्ती हुई पूरी ओदी कंप्लीट 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 ओदे ओदे मैं ता कदे किया ही नहीं हैगा अभी वीरपाल कौर दी अपनी जवानी हैगी है ना ता ओदे च मीडिया दा रोल हैगा ना वीर किसे होर दा हैगा देखो ए इस तो भी गंभीर गल है हुण जिहड़ी तुसीं कह रहे हो कि जिहदा नाम लैके हुणे तुसीं कहिंदे सी कि उहने किसे दा नाम लैके किया हुण तुसीं आप ही कहता कि उह तां बंदा कहिंदा मैं किया नहीं ते फिर इह क्राइम तां होया ना किस तों वड्डा क्राइम की है कि इक बेसलैस गल एक एडे वे चैनल के उत्ते एयर होगी कि दूजे बंदे ने पता है कि उन्हें दोबारा ऑन करके एक्सप्लेनेशन देखी है कि नहीं देखी जी शशिकांत ने दी है इस करके जिम्मेवारियां सारे ना जुड़िया साढ़े ना भी जुड़िया बहुत साढ़े ते भी इस करके सारे ना आप अपनी जिम्मेवारी निभा चाहिए जो मटीरियल है श्रोमी अकाली दल के खिलाफ सोशल मीडिया से चल भी रहा है नहीं मैं कहना तुसी मेरी गल नू आप ही जस्टिफाई करी जा रहे हो कि मटीरियल हैगा तुसी कह रहे हो ना भी बहुत सारा हैगा यही असी बड़ी देर असी असी बड़ी देर यही छड्या सी कि यह नहीं चंगा लगता तो हार जाएंगे पर हुण पार्टियां इनवॉल्व हो गई इहदे च कि पार्टियां कराउण लगियां इह काम अगे तो हुंदा कि कोई मूर्ख बंदा असी कहिंदे भी चल लग्गिया हट जाएगा की इहदे नाल मत्था मारना हुण पार्टियां ने ढंग तरीका बन लिया चोणां जाण दा कि जदों चोणां दा साल होवे जो दुनिया दा झूठ है कूड़ है वो दूजे दे उत्ते सुट दिओ ते आपे जवाब दिंदा रहे उहदे नाल जिन्नी जनता गमराह हो जाएगी सानूं फायदा हो जाएगा अपनी कारगुजारी दसनी चाहीदी सरकार नूं दस नहीं रही अपना मैनीफेस्टो किन्ना क्लीयर कीता सरकार नूं दसना चाहीदा दस नहीं रही पर सौखा तरीका यह लभ गया कि हुण इकट्ठे हो जाओ कांग्रेस ते आप दोनों इकट्ठियां हो गईआं ते दोनों ने शुरू कर लिया काम अकाली दल का भी सोशल मीडिया है कांग्रेस का भी है आम आदमी पार्टी 2017 हुई पंजाब कोई स्पेसिफिक तो लगता है कि पार्टी जी ज्यादा कूड़ प्रचार कर रही है नहीं देखो गल ज्यादा इस कहने च कोई शक नहीं ज्यादा जिहड़ा यह गंदलापन है यह तो आम आदमी पार्टी के आने होया लेकिन साढ़े तो 2002 दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह होरां ने शुरुआत कर दिती सी जदों उन्हां ने लिखती चिट्ठी लिखी सी बाद चो चिट्ठी भी गायब हो गई सी भी मेरे तो पता नहीं चिट्ठी कित्थों आई जिहड़ी 2002 वाली इलैक्शन हैगी है तुसीं उदों सारी झूठ दे उत्ते लड़ी गई सी फिर जिहड़ी सरकार भी पंज साल चली उसे झूठ नूं साबित करन वास्ते लगी रही होया नहीं इस करके पार्टियां जो कर रही तो सामने दो सवाल है मेरे ये आपको लगता नहीं गलत ट्रेडिशन आप शुरू कर रहे हैं कई ऐसे लोग आते हैं हमारे पास बरगाड़ी कांड की बात कर लें बैबला कांड की बात कर लें उसके भी कई लोग यहाँ पर चंडीगढ़ में पहुंचे उन्होंने आके अपनी बात रखी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने भी कई लोगों पे आरोप लगाए पुलिस पे लगाए अकाली दल पे भी लगाए उस वक्त की जो सरकार थी आपकी उस पर भी लगाए तो आपको लगता नहीं कि आप एक ऐसा ट्रेडिशन शुरू कर रहे हैं कि आप किसी भी पॉलिटिकल आदमी पे कोई एलिगेशन लगाता है पुलिस पे लगाता है और उसको मीडिया अगर प्लेटफॉर्म दे दे
तो मीडिया को ही आप कल्प्रेट बना रहे हैं, आप मीडिया को ही टारगेट कर रहे हैं। अब अगर उस लेडी ने कुछ बोला तो वो चैनल की बतौर पैनलिस्ट वहां पे शामिल थी, उसकी बातों से चैनल आप कह भी रहे हैं क्लैरिफिकेशन दिया गया है बाद में, तो फिर उसके लिए आप चैनल को कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? ये तो आप एक ट्रेडिशन शुरू कर रहे हैं कि आयदे ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म देंगे जो सरकार पे या किसी भी पार्टी पे लीडर पे सवाल उठाएंगे तो हम उसको नोटिस दे देंगे। नहीं मनोहत्रा सर, ऐसे है ट्रेडिशन तो तब हम शुरू करें ना, अगर ये पहला केस हो मीडिया के जहाँ कोई डेफिनेशन का, यहाँ तो लाखों केस हो चुके हैं। आप और किसी भी अखबार के दफ्तर में जाके देख लीजिए कि कितने डेफिनेशन होते हैं। जब कोई अखबार में खबर गलत शब्द ही है, एडिटर को भी नोटिस जाता है, उसकी जो और भी जो लोग इन्वॉल्व होते हैं पब्लिशर होता है उसको भी नोटिस जाता, जिसकी न्यूज होती है उसका भी नोटिस जाता। इस करके मैं कहता हूँ कि पर्सनली नहीं लेना चाहिए इस बात को। एक राइट है कि इतनी गंभीर आप एलिगेशन एक इस लेवल के लीडर के ऊपर लगा रहे हो तो उसको हर्ट करती है पर्सनली भी, उसकी फैमिली को भी, उसके जो वर्कर हैं उसको भी और पब्लिक को। जो बात कभी हुई नहीं, 13 साल के बाद कोई आके कल को इलेक्शन के टाइम पे इससे भी गंभीर दोष को लगा सकता है किसी के ऊपर, मेरे ऊपर लगा सकता है, किसी और के ऊपर लगा सकता है। तो एक लीगल रेमेडी जो है, लीगल रेमेडी को मैं समझता हूँ कि इसको प्रेशर नहीं मानना चाहिए। प्रेशर तो तब होता है कि हम जाके कोई धरना मार के बैठ के चैनल के खिलाफ हो, जहाँ किसी को धमकी दी है, जहाँ कोई और गलत काम किया तो वो आप बोलेंगे कि प्रेशर। लेकिन एक ही तरीका है कि जब आपको लगता है कि ज्यादती हुई आपके साथ, तो एक ही तरीका है, हमने पहले वर्बली भी कई बार कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की हैं, ये नहीं कि हमने पहले बात नहीं की, कुछ और चीज़ों के ऊपर भी हमें इतराज था, वो हमने वर्बली भी चैनल से बात की है। लेकिन ये नहीं कि हम कोई चैनल के खिलाफ परमानेंटली हो गए। एक इंसिडेंट है, हमने अपना व्यू पॉइंट दिया, वो अपना पक्ष देंगे, आगे फिर चलता रहेगा। ये लंबा रास्ता है, ये नहीं कि कोई पर्सनली उनकी हमारे कोई दुश्मनी होगी, जहाँ कोई हम चैनल के कोई ऊपर कोई एलिगेशन लगा रहे हैं। हम अपने अगेंस्ट जो हुआ उसकी सिर्फ उसके ही बात का क्वेश्चन कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा तो हमने कोई उनको धमकाया नहीं, जो कोई चीज़ नहीं। इसलिए मैं समझता हूँ जो अच्छी परंपराएं हैं, यही तरीका होता है कि कोई अगर ज़्यादा हर्ट होता तो फिर एक ही ऑप्शन होती है, फिर आप डेफिनेशन कर, कोर्ट डिसाइड कर देगी। हो सकता है हम गलत हो सकता है वो गलत हो। सर आप चैनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहे हैं, लेकिन जितनी मेरे को समझ है जितना कि चैनल अपने न्यूज टेलीकास्ट जो हम करते हैं, जो हम कंटेंट लेकर आते हैं, अगर मैं चैनल का रिपोर्टर हूं और मैंने कुछ एलिगेशन अकाली दल पे लगाया है तो उसके लिए तो हम जवाब दे हैं। लेकिन अगर हमारे पैनल में 6 लोग बैठे हैं, 6 विंडो में बैठे हैं, उसमें एंकर सिर्फ मॉडरेटर होता है, वो सिर्फ सबको अपनी बात रखने का मौका दे रहा है, तो उस केस में अगर किसी ने आप पे एलिगेशन लगाया जिससे आपको लगता है कि आप डिफेम हुए, तो हमने उसके ऊपर तमाम क्लैरिफिकेशन भी दिखाए चैनल पर। तो मेरा सवाल यह है कि आप चैनल को क्यों टारगेट कर रहे हैं? इस पर जरूर हमारी जो एडिटोरियल जो यहाँ पर ज्योति कमल जी हैं और बाकी लिबर्टी में बात करेंगे आपसे, लेकिन ये आपको लगता नहीं कि आप बेवजह चैनल को इसमें डाल रहे हैं? चैनल का क्या रोल है इसमें? और बाद में जब आप खुद आपने अपने मुंह से कहा कि क्लैरिफिकेशन दिया गया, शशिकांत का नाम जो फॉर्मर डीजीपी है उनका नाम आया, उनको भी चैनल ने बिठाया, उस पर हमने क्लैरिफाई करा जब चैनल ने, तो फिर आप न्यूज 18 को इस पूरे मामले में क्यों उलझा रहे हैं? मेरा ये सवाल है, क्योंकि उनका तो हम तो सिर्फ मॉडरेटर थे, हमने बात रखी, अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगा तो आप उसका जवाब दें, उसकी सफाई दें। आपको भी प्लेटफॉर्म न्यूज 18 ने दिया होगा जरूर, और नहीं तो आगे भी आपको मिल सकता है। तो इसमें चैनल को बीच में लपेटने का आपको लगता नहीं ये गलत एक परंपरा की शुरुआत? नहीं, मैं नहीं मानता कि गलत हूँ। हमेशा ये नहीं कि पॉलिटिकल पार्टी गलत होता है, हमेशा ये नहीं कि चैनल ठीक होता है। आप सभी हम दोस्तों की तरह सारा दिन एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो कितने लोगों के ऊपर हमने डेफिनेशन किया? 1000 जर्नलिस्ट हैं पंजाब में, इतने चैनल चल रहे हैं, बड़ी लंबी 100 साल की पार्टी हो गई, बहुत थोड़े समय पे हमें डेफिनेशन फाइल किए हैं। उस टाइम कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ किया था, ठीक है, कुछ थोड़ी जगह और हुए हैं। इसलिए मैं भी समझता हूँ कि आप इंसिडेंट को नहीं देख रहे कि अगर आपके बारे में किसी धार्मिक ग्रंथ के बारे में, किसी गुरु की अपमान करने के बारे में आपके अगेंस्ट पर्सनली कोई इतनी बड़ी जो है फ्लैश करके न्यूज़ फैलाई जाए जो 100% झूठी हो, तो आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके पेरेंट्स के ऊपर, आपके रिश्तेदारों के ऊपर, सबके ऊपर क्या असर पड़ता है? वो भी तो इंसान है। इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ भी पर्सनल नहीं है। हम ये नहीं कि कोई चैनल के साथ झगड़ा हो गया कि आगे
आप आज बुलाओ हम फिर आएंगे, कुछ चैनल का हम बाइकआउट थोड़ी कर रहे हैं। नहीं सर, लेकिन सवाल ये ना कि चैनल कोई चैनल का हम बाइकआउट नहीं कर रहे, कोई ये तो नहीं कि चैनल को कोई हमने चैनल के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट चलाया, कोई बाइकआउट कर रहा, लेकिन एक लीगल रेमेडी है उसको आप भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चैनल को भी हमें भी करनी चाहिए। सर आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि चैनल अगर किसी को गेस्ट को बुला रहा है तो हम आपका माइंड रीड नहीं कर सकते कि आप वहाँ बैठेंगे तो आप कांग्रेस पर, पंजाब सरकार पर क्या एलिगेशन लगा देंगे। तो आप वहाँ पे मॉडरेटर आते हैं, आपको सब्जेक्ट बता दिया जाता है, उस सब्जेक्ट से आपका जुड़ा हुआ, अगर वहाँ पर उस लेडी को बुलाया गया होगा तो जरूर उसका कुछ ना कुछ जुड़ाव होगा, अगर उससे कोई बात रखी है तो वो एलिगेशन उस लेडी का है, ताकि चैनल ने आपके ऊपर कोई डिफेंड कर दिया आपको, तो आपको अगर कोई नोटिस दे जाए तो उनको भेजिए नंबर वन। नंबर टू, अगर आपको उस एलिगेशन पे कोई सफाई देनी है तो उसके लिए भी न्यूज 18 मेरे ख्याल में नेशनल पर भी हम डेली हर जो भी डेवलपमेंट होता है पॉलिटिकल पंजाब का तो अकाली दल का वर्जन लेने हम आपके पास आते हैं, बाकी आपके लीडर्स के पास आते हैं। तो मैं बार बार आपसे वही सवाल कर रहा हूँ कि इसमें चैनल का इन्वॉल्वमेंट आप किस तरह से जोड़ रही है, या तो आप सीधे तौर पर कहिए कि चैनल की कौन सी है, जब आप कह रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी किसी पॉलिटिकल पार्टी का आप नाम ले रहे हैं उसने की, तो चैनल तो सिर्फ वहां पे उन लोगों को बुलाने के लिए डिबेट कर रहा था, तो चैनल इसमें कहां से आरोप लग गया, चैनल कैसे आपको डिफेंड करता है। देखिए बात यह है कि हमने भी इतने दिन लगाए इसी बात को डिस्कस करने के लिए अपने लीगल टीम के साथ भी, और सबके साथ पूरा टाइम डिवोट किया, इसलिए बार बार उसको देखा, जो कंडक्ट था उनका वो देखा, सारा कुछ देखने के बाद ही हमने सोचा कि डेफिनेशन के लिए जाना चाहिए, क्योंकि बात ये है कि आगे आगे का जो रास्ता है जिस तरीके की बात चल रही है, हमें भी बड़ा मुश्किल होता है जब बिना मतलब की कोई इतनी सीरियस एलिगेशन चलते चलते किसी के ऊपर लग जाती है, और जब भी चैनल कोई ऐसे आदमी को बुलाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी चैनल की भी है कि उसकी क्रेडिबिलिटी देख ले कि बैकग्राउंड क्या है, नहीं तो उसके रिकॉर्ड कर सके आप दे सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, आपके पास एडिट की फैसिलिटी है, जरूरी नहीं है कि जिसको कोई नहीं जानता उसको लाइव बिठा के तो सारे दुनिया को गालियां निकाले वो। चैनल इतना तो जरूर देखना चाहिए चैनल को कि एक एस्टैब्लिश लीडर है, पार्टियों के हैं, वो गलती करेंगे पार्टी जिम्मेवार है, हम पार्टी से जवाब मांगते हैं, चैनल से नहीं मांगते कभी भी। लेकिन एक आदमी जिसको कोई जानता नहीं है उसको अगर हम लाइव बिठा रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी तो है कि अगर ये गालियां निकाली जाए, कोई सीरियस एलिगेशन लगा दे किसी के ऊपर, कुछ कर दे, तो उसकी जिम्मेदारी चैनल की तो है, उसकी रिकॉर्डिंग की जा सकती थी, रिकॉर्डिंग करके आप सोच सकते हैं कि जो इसने कहा ये ठीक है कि नहीं है। मेरे ख्याल ये आप इतना करने लग जाएंगे तो ऐसी चीज़ें नहीं होगी, हम भी नहीं चाहते कि ये चीज़ें हर रोज हो, लेकिन ये चीज़ें टाली जा सकती हैं, कुछ खतरे हैं इसमें लाइव टेलीकास्ट में, तो वो आपके एडिटर साहबान को देखनी चाहिए क्योंकि वो एक्सपर्ट है, वो जान सकते हैं इन चीजों को कैसे किया जाए कि कोई डैमेज ना हो, कोई हर्ट ना हो। थैंक यू जी, थैंक यू।